जय श्री राम। देश विदेश में दिन रात धर्म में रत हमारे सभी भाई और बहनों का आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। जीवन में व्याप्त किसी भी संकट से निवारण के लिए बजरंग बली का उपासना सर्वोत्तम माना गया है। मेरी माता जी से लेकर के मामा जी से लेकर के और सभी गुरुजनों के सानिध्य से होते हुए असंख्य लोगों का कल्याण होते हुए देखा है। मेरे स्वयं का ये सब चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, पर अब आप लोग एक परिवार के सदस्य बन चुके हैं। स्वयं पिताजी की स्थिति बहुत खराब थी एक समय, दिमागी तौर पर आर्थिक तौर पर भी हम लोग बहुत जूझ रहे थे, और मेरी माँ नित्य जो है कैसे आराधना करते थी, उनकी तपस्या जो स्वस्थ हो गए और हम लोग ठीक हैं। तो यहाँ प्रश्न आता है कि भाइयों को तो 40 दिन का अनुष्ठान हनुमान चालीसा का करना है, पर अगर हमारी माताएं बहनें बच्चियां करना चाहती हैं तो उनका 40 दिन कैसे पूरा होगा, क्योंकि बीच में जिसको कहा जाता है पीरियड वगैरह वो आ जाता है, जो कि ये बहुत ही एक अच्छे स्वस्थ शरीर का लक्षण है। कोई में संकोच की बात नहीं है, कोई हीनता की बात नहीं, एक समझदारी की बात है। शायद प्रकृति इसी बहाने उनको 5-6 दिन रेस्ट करने का एक अवसर देती है, कितना सब वो हम सबके लिए करती हैं। तो इसमें लेकिन जो पूर्ण शुद्धता की बात आती, चतुर्थे शुद्धति की ऐसी बात मानी गई है, लेकिन जो पूर्ण शुद्धि है पूजा पाठ इत्यादि के लिए वो 7वें दिन मानी गई है, पर उसमें भी कई बार हमारा शारीरिक स्थिति सही नहीं होता है, उसके साक्षी हम स्वयं होते हैं, तो 1-2 दिन ज्यादा चला जाता है। तो उनके लिए माताओं बहनों बच्चियों के लिए 21 दिन का अनुष्ठान करने से वो फल प्राप्त होगा जो पुरुष वर्गों को 40 दिन का अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है। अब इसमें हमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना होगा कि हमारी शुद्धता कब है। जब एक बार हमारी शुद्धता हो जाए, 7वें दिन हो जाए, 8वें दिन हो जाए, 9वें दिन हो जाए, उसी दिन से हमें पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए, कोई भी दिन हो, और होते होते हमें अगला 21 दिन पूर्ण करना चाहिए। अगर 21 दिन या 1-2 दिन बाद मंगलवार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जिस दिन भी आपका 21 दिन पूर्ण हुआ उसी दिन आप जो है पाठ समापन करके और हनुमान जी की छोटी सी पूजा करके 125 ग्राम 125 सवा किलो जितना हो सके किसी भी मंदिर में जाकर के लंगोटा अथवा लाल कपड़ा हनुमान जी को चढ़वा दीजिए, फूल इत्यादि तुलसी दल इत्यादि चंपा का फूल पसंद है वो अर्पण करा करके, और उसके पश्चात में आप वो लड्डू का प्रसाद बांट दीजिए और जीवन में कष्टों से मुक्ति पाइए। सामान्य सा अब बात आती परेशानी, परेशानियों के तो बहुत लक्षण है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है कि स्त्री के लिए होती है उसके प्रति की प्रतिकूलता। प्रतिकूलता मतलब एक तो दिमागी तौर पर अगर वो बीमार है, और उससे भी ज्यादा प्रतिकूलता ये होती है कि वो मानसिक तौर पर हमें न सम्मान देकर कहीं और उनका मन भटक रहा है, वो सबसे कठिन वाली बात होती है। और खास करके हमारी जो भारतीय माताएं बहनें हैं उनमें तो क्योंकि पूर्ण निष्ठा से परिवार के प्रति अपने पतिदेव के प्रति समर्पित रहती हैं, तो अगर किसी का मन भटक गया है अथवा वो बीमार हैं अथवा हम लोग मुकदमा से परेशान, अथवा पड़ोसी ने अनावश्यक हमको परेशान करके रखा, अथवा हमारा बच्चा बीमार रहता है, अथवा जो है सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट है, तो या हमको नौकरी नहीं मिल रही, कोई भी प्रकार के संकट के निवारण के लिए बजरंग बली की उपासना सर्वोत्तम मानी गई है। तो इसमें हमें क्या करना है, 21 दिन तक प्रातः उठ करके अगर सूर्योदय के पहले हो जाए तो कोई बात नहीं, बहुत उत्तम है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, सबको जाने के बाद आराम से बैठ करके 2-3 घंटे का टाइम निकालिए, और 11 पाठ अगर हनुमान जी की मूर्ति है तो उनको नहला के और पूजा। हाँ, ये कहा गया, कई लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो गलत धारणा है, बिल्कुल करनी चाहिए, उनको अपना बड़ा भैया मान करके, अपना मित्र मान करके, अपना दादा मान करके, अथवा उनको अपना जिस भी रूप में मानते हैं सबसे बड़ा हितैषी मान करके उनकी आराधन हमें करना चाहिए। तो उनको हम अगर मूर्ति है तो स्नान करा दिया, टीका लगा दिया, तुलसी का दल चढ़ा दिया, और एक घर का अगर आप बना सकें तो बेसन का लड्डू सामने रख के तुलसी का पत्ता डाल करके एक गिलास जल रख करके फिर आसन पर बैठ करके हुआ तो दिया भी जला दिया, अगरबत्ती नहीं करना चाहिए धूप जला दिया, और 11 पाठ कंटिन्यू हनुमान चालीसा का बैठ करके करना चाहिए। किसी हमारी बहन की अथवा माता की उम्र ज्यादा हो चुकी है, शारीरिक परेशानी है, तो नीचे आसन बिछा करके कुर्सी पर बैठ करके भी वो इस तरह से पाठ कर सकते हैं, पर पाठ कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत मजबूरी आ गया, कहीं बाहर जाना है, ये करना है, तो आप एक पाठ करके सुबह निकल जाओ, उसको क्रम को मत छोड़ो, फिर शाम को लेकिन रात होने के पहले घर वापस आइए और नहा धो करके पुनः उसी तरह से 11 पाठ संपन्न कीजिए।
दूसरी बात, पाठ खंडित नहीं होना चाहिए। सुबह का किया हुआ एक पाठ मान्यता नहीं होगा, फिर से आप कंटिन्यू 11 पाठ कीजिए। 21 दिन तक ये नियम का पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज और मांस मदिरा इत्यादि किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य तो पति पत्नी साथ में सोते हैं, एक अलग बात हो गई। दूसरी, आज मोबाइल में इतनी सारी चीजें हैं, कई बार आप ज्योतिष की भी कोई चीज सर्च करें वहां भी गंदे गंदे विज्ञापन हमारे मन को भटकाने वाले आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, तो हमें ये चीजें हैं जो अनावश्यक हमारे सामने आ जाती हैं, ताकि हमारा मन भी शुद्ध रहे, निर्मल रहे और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें। अगर इतना सब करने के बाद 21 दिन का अनुष्ठान कीजिए, निश्चित आपका कल्याण होगा। अगर एक बार आपने अनुष्ठान कर लिया और कुछ भी आपको दिखाई नहीं दिया, तो भी आप निराश मत होइए। बीज जो है उगने में और पौधा बन करके फल देने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर बहुत ज्यादा संकट है तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि 100 पाठ आप नित्य करें। बहुत ज्यादा आप बिल्कुल, आपको लगता है कि हमको मर जाना चाहिए अथवा घर छोड़ देना चाहिए अथवा ये कर देना चाहिए, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल इंतहा हो गई हो, तो वैसे में आप निराश हो गए हो, 100% निराश हो गए हो। हालांकि वहां पे आप हनुमानाष्टक का इस तरह से, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होए हमारो, इसका आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ प्लस 11 पाठ उसका कीजिए। तो निश्चित जो है दोनों को साथ में करके वही 21 दिन तक सेम क्रम से 11 पाठ करके आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर 11 पाठ करने बैठ जाइए। और भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं, लहसुन प्याज इत्यादि का थोड़ा खाइए ताकि शरीर अच्छा रहे। दूसरी बात, बीच का जो मंगलवार है, मंगलवार को व्रत अवश्य रहें। संध्या वेला में सूर्यास्त के बाद में एक अन्न, चाहे चावल चाहे रोटी, दूध के साथ अथवा दही के साथ, मीठा के साथ खाएं। नमक का सेवन नहीं करना है। अगर शुगर वगैरह कुछ ऐसा है तो आपके लिए छूट है, कोई दिक्कत नहीं। पाठ ढंग से होना जरूरी है, समर्पण होना जरूरी है। और इस नियम की चर्चा ना करें किसी भाई बहन को। हम लोग आजकल 100 ग्राम करते हैं, 1000 ग्राम चिल्लाते हैं, अरे हम तो ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, उससे हमारे पुण्य का क्षय होता है। पहले लोग कोई पाप करते थे तो उनको गाँव भर में चिल्लाना पड़ता था कि हमने पाप किया, तो उनका पाप मुक्त हो जाता थे। तो पुण्य और पाप दोनों बोलने से कम होता है, ये गोपनीय चीज होता है, इसको हमको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ऐसा नहीं अगर हमारी सासु माँ पूछ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए, पर हमको फोन करके ऐसे ऐसे दुनिया भर में उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो निश्चित अगर हम श्रद्धा से करते हैं, पूर्ण समर्पण से करते हैं कि आपके अलावा हमारा कोई और नहीं है, तो निश्चित हमारा जो भी संकट है हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाएगा। उनके आगे तो बहुत सामान सी बात, बस हमारी अर्जी पहुंच जानी चाहिए। उनको 21 दिन के नियम से भी मतलब नहीं हो तो वो तो जो दूसरे लोग हैं जो उनके सब अकाउंट संभालते हैं उनके लिए है। पर वो एक दिन भी अगर हमारा हृदय द्रवित हो गया और रोने लगे हम एक्टिंग करके नहीं, सच्चे मन से, तो निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो उनकी कृपा से दूर ना हो। तो बंधुओं, एक विशेष जानकारी आपके आगे रखने का प्रयास किया। पुरुष बंधुओं के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया था, इसमें जो भी संकोच हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ज्यादा कमेंट्स होगा, ज्यादा कुछ होगा तो अलग से वीडियो बना करके आपको अर्पित कर। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम पर आप पूछेगा और इससे संबंधित प्रश्नों के लिए यूट्यूब पर ही पूछेगा। जरा सब्सक्राइब कीजिए और क्या बोलते हैं, लाइक तो आप लोग करते ही हैं, आप लोगों की वजह से हमें भी प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात, पूरे भरोसे से करेंगे, निश्चित आपका कल्याण होगा। और हाँ, अगर कल्याण नहीं हो रहा है, कई बार हम लोग गलत प्रेम विवाह या गलत ये सब चक्कर में लगते हैं, हमारे नजर में अच्छा रहता है, जैसे पिज्जा खाना, कई लोग जय जय सियाराम सिगरेट पीते हैं, हमको अच्छा लगता है, पर हमारे लिए हानिकारक। अगर आपके लिए हानिकारक होगा तो हनुमान जी उस पुण्य का फल देंगे, आपके अच्छाई में कहीं और जोड़ेंगे। तो ऐसा मत सोचेगा कि हमने किया हमको लाभ नहीं मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जय श्री राम, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में।